नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश शर्मा एक बार फिर आपका रोड सेफ्टी फाउंडेशन के मुंबई ट्रेनिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ स्टूडेंट हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौमिरन शर्मा है। नमस्कार। नमस्कार सौमिरन जी, आप कहां के रहने वाले हैं? मैं असम का रहने वाला हूं। असम से आप यहां ट्रेनिंग के लिए, आप यहां रहते हैं या असम से ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं? मैं असम से ट्रेनिंग के लिए आया हूं। स्पेशल ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं, वेरी गुड। तो आपने ये रीस्ट्रक का ट्रेनिंग कर रहे हैं या फॉर्कलिफ्ट का ट्रेनिंग कर रहे हैं? अच्छा, आप रीस्ट्रक का भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इस मशीन का भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और साथ में आप फॉर्कलिफ्ट का भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? हाँ जी। तो कैसा, कितने दिन हो गए आपको ट्रेनिंग करते हुए? अभी मेरा आज 10वां दिन। 10वां दिन है। कैसा ट्रेनिंग चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया है। ट्रेनिंग सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लगता है ट्रेनिंग के हिसाब से अच्छा है? एक्यूरेट है। रैक हाइट, रैक जो ऊंचाई लगी हुई है वो आपके हिसाब से ठीक है? बढ़िया है। कितना फिट होगी आपके हिसाब से ये रैक हाइट? ये लगभग 11 मीटर। 11 मीटर के आसपास, मतलब 32-33 फीट के आसपास कम से कम है। तो अब तक के जो ट्रेनिंग हुआ है आपका फॉर्कलिफ्ट का ट्रेनिंग, आपको कौन से सर ने करवाया था? मेरे को अतुल और देन इंस्ट्रक्टर संतोष जी। वेरी गुड। कैसा ट्रेनिंग हुआ आपका? बढ़िया है। तो आप फॉर्कलिफ्ट के ट्रेनिंग को, जो फॉर्कलिफ्ट का आपका डीजल मशीन और बैटरी मशीन का ट्रेनिंग हुआ है, उसको आप 5 में से कितना रेटिंग देना चाहेंगे? 5 out of 5। बिकॉज़ मैं जब यहाँ आया था 0 था, अभी मेरे को आती है बढ़िया। इसका मतलब ट्रेनिंग हैज बीन इंपार्टेड इन द बेस्ट वे। मतलब 10 दिन में आप पूरा परफेक्टली चलाने लग गए, मतलब आपके हिसाब से ट्रेनिंग अच्छा हुआ है। वेरी गुड। तो ये रीस्ट्रक का ट्रेनिंग आपको किशोर सर देते हैं, और किशोर सर की ट्रेनिंग को आप कितना 5 में से 5 देना चाहेंगे? 5 out of 5। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपने ये ट्रेनिंग करने का एक पर्पस क्या था, मतलब क्यों ये ट्रेनिंग करना चाहते थे आप? मेरे को हर एक चीज चलाने को सीखने का है। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका कुछ आपका भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग है रीस्ट्रक सीखने का या फॉर्कलिफ्ट सीखने का? हाँ है, क्योंकि हमारे वहाँ अभी इंडस्ट्रीज है नहीं उतनी। हाँ। अभी इन द नियर फ्यूचर आने वाली है, वेयर हाउसेज भी नए डेवलप हो रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज आने वाली है। वेरी गुड, आई सी ए गुड स्कोप। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मुझे अभी आप रीस्ट्रक पर बैठे हुए हैं, तो मुझे आप रीस्ट्रक चला के दिखाएंगे? तो आपने कैसा चलाना सीखा है मैं जरा एक बार मुझे भी दिखा दीजिए। तो ये आप मुझे पहले रीस्ट्रक को 360 डिग्री टर्न करना दिखाएंगे, और उसके बाद मुझे आप ये 30 फीट ऊंचाई पर रैक पर मेटल चढ़ा के दिखाएंगे। ये जो आपका बॉक्स पैलेट है इसे आप चढ़ा के दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, आप चला के दिखाइए। वेरी गुड। सिमरन जी, आपको यहाँ रहने की फैसिलिटी मिली थी या नहीं मिली थी? बिल्कुल मिली है। तो हमारा गेस्ट हाउस जो है वहाँ साफ सफाई ठीक है, रहने का फैसिलिटी अच्छा है, और खाने का बाजू में कैंटीन है, फिर रेस्टोरेंट्स है, जो खाना है चाइनीज, नॉन वेज, वेज, गुजराती थाली, एवरीथिंग। तो रहने का कितना चार्ज आपने पे किया? एकदम बेयर मिनिमम 1000 रुपये बस। वेरी गुड। तो रहने की फैसिलिटी आपको वहाँ मिल गई। थैंक यू सो मच, आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।